मन पूरा खुश है, मम्मी चॉकलेट वगैरह जो लेके आई है तो खाने का मन बहुत कर रहा है। नहीं जानती है, ये बोल रही कि हम नहीं जानते। छोटे नाना जी जो थे वो डेट कर गया था तो उसी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से आप लोग का स्वागत है हमारी नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, कल वाला ब्लॉग वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि हमारी मम्मी जो है गई थी मायके, तो फाइनली गाइस वो जो है अब आ गई है। तो चलिए गाइस उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो कहाँ गई थी एंड और क्यों गई थी। तो चलिए अब मम्मी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए गाइस, प्लीज हम लोग को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं मम्मी के पास। फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि हम, हमारी माँ और बगल में मेरी सिस्टर, कल ये रो रही थी, आज देखिए बिल्कुल मतलब हंस रही है क्योंकि मन पूरा खुश है। मम्मी चॉकलेट वगैरह जो लेके आई है तो खाने का मन बहुत कर रहा है। गाइस चलिए पूछते हैं कि मम्मी कहाँ गई थी और क्यों गई थी, कल आप कहाँ गई थी? नहीं जानती है, ये बोल रही कि हम नहीं जानते। गाइस देखिए अपनी मायके गई थी, लेकिन ये जो पापा नहीं है तो डर के मारे बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है क्योंकि पापा भी घर में है नहीं, चुपचाप जो है मम्मी निकल गई थी मायके, इसी कारण जो है बोल रहा है। मेरा पापा जो वीडियो पापा भी देखता है तो इसी कारण डर से नहीं बोल रही, तो हम बता दे रहे हैं कि मम्मी मायके गई थी। तो क्यों गई थी? वैसे गई थी, ये गलत बोल रही है गाइस। मेरे मतलब छोटे नाना जी जो थे वो डेट कर गया था तो उसी का जो है काम क्रिया जो होता है वही सब हो रहा था, भोज भात वगैरह, तो उसी में गई थी मम्मी। और वहां से जो है क्या सब लेके आई थी, चलिए हम पूछते हैं क्या सब लेके आई थी। बिस्कुट, बिस्कुट, चॉकलेट पिताजी दिया था इसका पिताजी, तो चल बस आए। तो गाइस चलिए फाइनली मम्मी जो है मायके गई थी और वहां से कुछ सामान वगैरह सब लाया था, और साथ में कल वाला वीडियो हम देखे होंगे कि मार्केट में मम्मी हमको मिली थी और मार्केट में कुछ सामान जो ले रहे थे, देख सकते हो गाइस उधर सब्जी वगैरह कल मार्केट में ली थी, देख सकते हो इधर धनिया, देखिए उधर से लो तो क्या सब है, देख सकते हो गाइस ये धनिया हो गया एंड शिमला मिर्च है, देख सकते हो पकड़ो एंड गाइस ये देख सकते हो टमाटर सब है और होगा एंड बैगन सब है, मतलब साग सब्जी सब लेके आई थी एंड गाइस। और ये बोल रही थी कि सेब और संतरा लेकर आई थी, तो गाइस हम लोग के लिए जो है और बाबू सब है उसके लिए चॉकलेट वगैरह लेके आए एंड गाइस बहुत कल तो देखे थे आप लोग कि हम लोग पूरा सेड सा थे क्योंकि मम्मी नहीं थी, आज मम्मी है तो मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हो कितना है एंड मेरी सिस्टर भी हंस रही है, पूरा फैमिली में मतलब सब खुश है एंड गाइस मेरे पापा अभी तक नहीं आए, कल वो भी फाइनली आ जाएंगे। तो गाइस चलिए हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, सुबह में हम क्या सब करेंगे आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग सुबह वाला वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।